दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग चौधरी दोस्तों आज का यह चैप्टर आधारित है राजनीतिक आधुनिकीकरण पर इसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है यानी कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का अभिप्राय क्या है इस विभिन्न विचारकों द्वारा इसकी क्या परिभाषाएँ दी गई हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएँ कौन कौन सी हैं और इसके प्रमुख लक्षण कौन से हैं इसके अलावा राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान या पैटर्न क्या हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया संचालित होती है तथा राजनी राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं यानी कि कौन कौन से यंत्र और माध्यम हैं जिसके द्वारा राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो आइए शुरू करते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक आधुनिकीकरण एक नवीन अवधारणा है एक नवीन अवधारणा के रूप में राजनीतिक अवधार आधुनिकीकरण चिंतन के क्षेत्र में इसका विकास हुआ है यह सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रचनात्मक परिवर्तन का दोतक है आधुनिकीकरण सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रचनात्मक परिवर्तन का द्योतक है आधुनिकीकरण प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख प्रक्रिया है यहाँ यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आधुनिकीकरण प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख प्रक्रिया है और राजनीतिक आधुनिकीकरण एक जटिल तथा बहुआयामी प्रक्रिया है यह परिवर्त प्रगतिशीलता की ओर तो उन्मुख होती ही है लेकिन राजनीतिक आधुनिकीकरण जटिल और बहुआयामी यानी कि यह सरल और एक आयामी नहीं है बल्कि जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों पे, यानी कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों पर पड़ता है आधुनिकीकरण कैसी प्रक्रिया है तो देखते हैं आधुनिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज परंपरागत मूल्यों और संस्थाओं से आगे बढ़कर आधुनिक युग के अनुरूप जीवन पद्धति को अपना लेता है इम्पॉर्टेंट है आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज परंपरागत मूल्य और संस्थाओं से आगे बढ़कर आधुनिक युग के अनुरूप जीवन पद्धति अपना लेता है यह एक व्यापक प्रक्रिया है समाजों में सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास के फलस्वरूप राजनीतिक परिवर्तनों को सामान्यतया राजनीतिक आधुनिकीकरण का नाम दिया जाता है विभिन्न समाजों में जो सामाजिक संचलन होता है और आर्थिक विकास के फलस्वरूप जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं उन्हीं को सामान्य रूप से राजनीतिक आधुनिकीकरण का नाम दिया जाता है प्रसिद्ध विचारक हैं कोल कोलमैन कोलमैन का मानना है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण संक्रांतिकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह है जिसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं तथा संरचनाओं से है राजनीतिक आधुनिकीकरण को एक व्यापक प्रक्रिया माना जाता है क्यों क्योंकि इसका शहरीकरण औद्योगिकरण लौकिकीकरण लोकतंत्रीकरण से लेकर साधन सहभागिता तक के परिवर्तनों से संबंधित है राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक आधुनिकीकरण के व्यापक प्रक्रिया मानने जाने का कारण यह शहरीकरण औद्योगिकीकरण लौकिकीकरण तथा साधन सहभागिता तक के परिवर्तनों से संबंधित है राजनीतिक दृष्टि से उस समाज को आधुनिक कहा जाएगा जिसमें व्यक्ति के ज्ञान का विस्तार राजनीतिक व्यवस्था और इसके विविध पक्षों से होने लगता है अब आइए देखते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण से क्या अभिप्राय है विभिन्न विचारकों द्वारा राजनीतिक आधुनिकीकरण के संबंध में क्या मत व्यक्त किए गए हैं इस संबंध में देखते हैं। क्लाड केल्व क्लाड केल्व के अनुसार आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है तथा आधुनिक समाज की स्थापना से मुक्त होती है युक्त होती है यानी कि क्लाड केल्व का मानना है कि आधुनिकीकरण साधनों के विवेकपूर्ण पूर्ण प्रयोग पर आधारित प्रक्रिया होती है तथा आधुनिक समाज की स्थापना से युक्त होती है दूसरे विचारक हैं कोलमैन कोलमैन कहते हैं कि नगरीकरण व्यापक साक्षरता अधिक प्रति व्यक्ति आय विस्तृत भौगोलिक तथा सामाजिक गतिशीलता अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण तथा वाणिज्यिकरण की मात्रा में वृद्धि जन संचार के साधनों का विस्तार आधुनिकीकरण के हेतु हैं यानी कि कोलमैन का मानना है कि जब नगरीकरण होता है साक्षरता बढ़ती है प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है अर्थव्यवस्था का औद्योगिकीकरण तथा जनसंचार के साधनों का विस्तार ही आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है इसके अलावा भारतीय विचारक हैं डॉक्टर एस पी वर्मा इनके अनुसार आधुनिकीकरण एक बहुपच्छी प्रक्रिया है और राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कई आयाम हो सकते हैं तो देखते हैं यस पी वर्मा डॉक्टर एस पी वर्मा के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कौन कौन से आयाम हो सकते हैं तो पहला आयाम है मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोवैज्ञानिक स्तर पर आधुनिकीकरण लोगों के मूल्यों मानदंडों अभिवृत्तियों प्रत्याशाओं और आकांक्षाओं में परिवर्तन को संलिप्त करती है तो जो राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है विभिन्न स्तरों पर घटित होती है हमने देखा मनोवैज्ञानिक स्तर पर दूसरा बौद्धिक स्तर पर क्या होता है बौद्धिक स्तर पर इसमें अपने पर्यावरण के बारे में व्यक्ति की विपुल जानकारी बढ़ जाती है तथा शिक्षा तथा ज्ञान के माध्यम से इसके प्रसारण की अपेक्षा की जाती है तीसरा है सामाजिक स्तर सामाजिक स्तर पर इसमें यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि परिवार तथा अन्य प्राथमिक समूहों से निष्ठा के स्थान पर स्वैच्छिक संगठनों के प्रति निष्ठा में बदला जाए यानि कि जो सामाजिक स्तर पर इसमें विस्तार होता है प्राथमिक समूह या परिवार से जो निष्ठा होती है उसके स्थान पर स्वैच्छिक संगठनों के निष्ठा में बढ़ोत्तरी होती है आर्थिक स्तर पर आर्थिक स्तर पर कृषि के बजाय विस्तृत बाजारों तथा तो औद्योगिकरण पर बल दिया जाता है यानी कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जो आर्थिक स्तर पर बदलाव घटित होता है वह ये होता है कि कृषि के स्थान पर विस्तृत बाजार तथा तो औद्योगिकीकरण पर बल दिया जाने लगता है और पाँचवा है जनसांख्यिकी स्तर पर तो जनसांख्यिकी स्तर पर इसका अर्थ जीवन स्तर में सुधार और लोगों की संचालनशीलता प्रगतिशीलता तथा नगरीकरण में वृद्धि से होता है इसके अलावा आई जेस्टेंड के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण वह है जिसमें राजनीतिक भूमिकाओं और संस्थाओं में उच्च मात्रा में विभेदीकरण तथा केंद्रीकरण और एकीकृत शासन व्यवस्था का विकास है केंद्रीय राजनीतिक संगठनों के कार्यकलापों में विस्तार तथा सत्ता का समाज के सभी नागरिकों तक इसका विकास और परंपरागत सत्ता के स्थान पर आधुनिक संस्थाओं में निष्ठा बढ़ जाती है आइजेंस्टेट कहते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीतिक भूमिकाओं और संस्थाओं में उच्च मात्रा में विभेदीकरण होता है इसके अलावा राजनीतिक संगठनों के कार्यकलापों में विस्तार हो जाता है तथा नागरिकों में जो परंपरागत सत्ता होती है उसके स्थान पर आधुनिक संस्थाओं में निष्ठा बढ़ जाती है इस प्रकार से देखा जाए तो सभी विचारक आधुनिकीकरण को परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जो समाज की संपूर्णता से संबंधित है न कि किसी एक भाग से समाज की संपूर्णता से अर्थ ये है कि यह सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक सभी स्तरों पर इसमें परिवर्तन होते हैं और यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है अतः आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख होती है एडवर्ड सील्स प्रमुख विचारक हैं। एडवर्ड सील्स, एडवर्ड सील्स ने समकालीन राज्यों के पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को आधुनिकीकरण कहा है लेकिन यह सभी दशाओं में उचित नहीं है कोलमैन कहते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के विकास से है जो इतनी लचीली हो कि हर प्रकार की मांग को प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान कर सके किंतु उसमें इतनी शक्ति संपन्नता भी हो कि हर प्रकार की मांग की मांग का समुचित ढंग से मुकाबला भी कर सके तथा अनुचित मांगों को दृढ़ता के साथ ठुकरा देने की क्षमता रखने वाली राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक व्यवस्था कहा जाता है तो दोस्तों हमने देखा राजनीतिक व्यवस्था क्या है विभिन्न राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है विभिन्न विचारकों द्वारा राजनीतिक आधुनिकीकरण की, की परिभाषाएं और लक्षण क्या दिए गए हैं तो इस आधार पर आइए देखते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या हैं प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तो ऐसा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताओं के संबंध में सभी विचारक या विद्वान एकमत नहीं हैं लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो सभी में सामान्य हैं तो आइए उनको देखते हैं जो राजनीतिक आधुनिकीकरण की पहली विशेषता है वो ये है कि राज्य तथा केंद्र में शक्ति का अधिकाधिक केंद्रण हो जाता है राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि मानव जीवन की गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार की शक्तियों का राज्य या राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकरण होने लगता है अर्थात राजनीतिक शक्ति का महत्व बढ़ जाता है जब किसी व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति का महत्व तो बढ़ने लगता है तो यह आधुनिकीकरण का पहला लक्षण माना जाता है दूसरा लक्षण या विशेषता क्या है राज्य या केंद्र का समाज में अधिकाधिक प्रवेश होने लगता है प्रारंभ में राज्य की समाज में पहुंच नहीं थी राज्य का स्वरूप एक पुलिस राज्य का होता था और राज्य का जो कार्य होता था वो केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण से लोगों की रक्षा करने तक सीमित था लेकिन राजनीतिक आधु आधुनिकीकरण में राज्य के कार्य क्षेत्र में विस्तार हुआ है और राज्य का समाज में अधिकाधिक प्रवेश भी हुआ है लोक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से राज्य लोगों के दैनिक जीवन तथा उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि सरकार की जनता तक पहुंच हो और जनता और सरकार का हर स्तर पर संपर्क हो तथा राज्य का समाज में अधिकाधिक प्रवेशन होना चाहिए यह तभी संभव है जब राज्य की भूमिका नकारात्मक न होकर सकारात्मक हो वह लोक कल्याण तथा जनसाधारण के उत्थान के लिए कार्य करे तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो दूसरा लक्षण ये था वो ये था कि राज्य तथा समाज के बीच अधिकाधिक संपर्क हो और राज्य नागरिकों की भावनाओं को समझे उनके कल्याण तथा उनके उत्थान के लिए कार्य करे ऐसी व्यवस्था राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता मानी जाती है तीसरी विशेषता है केंद्र और परिधि की बढ़ती हुई अंत क्रिया तो इंटरेक्शन जब केंद्र और जो सेंटर और स्पेयर की बढ़ती हुई क्रिया होती है तो वो भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक लक्षण मानी जाती है आधुनिक राजनीतिक समाज में केंद्र और परिधि क्रिया बहुत बढ़ जाती है यहाँ केंद्र का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था से है और परिधि का अर्थ समाज से है तो जब राज्य और राजनीतिक सरकार और समाज का जो अंत है एक दूसरे से इंटरेक्शन है वह बढ़ जाता है तो वो भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की निशानी मानी जाती है केंद्र और राज्यों की यह संपर्कता राजनीतिक दल हित और दबाव समूह नौकरशाही तथा निर्वाचन के माध्यम से बढ़ती है और इस प्रक्रिया में जो सरकार और समाज का एक दूसरे से अंतःक्रिया तथा संपर्क होता है इसमें संचार के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अर्थात यदि संचार के साधनों में बढ़ोत्तरी होती है तो वह भी राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण के रूप में जाना जाता है चौथा चौथी जो विशेषता वो है सत्ता के पारंपरिक स्रोतों का निर्बल होना आधुनिक राजनीतिक समाज में सत्ता के पारंपरिक स्रोत जो थे वो कबीले राजा और धर्मगुरु हैं इनका पतन या लोप हो जाता है हटिंगटन के अनुसार आधुनिक राजनीतिक समाज में धार्मिक परंपरागत पारिवारिक और जातीय सत्ताओं का स्थान लौकिकीकृत और राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता द्वारा ले लिया जाता है पहले जो परंपरागत समाज थे उसमें जो पर राजनीतिक समाज के जो सत्ता के स्रोत थे वो कबीले परिवार राजा धर्मगुरु होते थे लेकिन जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया होती है तो इसमें जो परंपरागत सत्ता के केंद्र होते हैं उनका स्थान राष्ट्रीय एक लौकिकीकृत और राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता द्वारा ले लिया जाता है सत्ता के पारंपरिक स्रोतों के निर्बल होने और उनके स्थान पर राजनीतिक सत्ता की स्थापना राजनीतिक आधुनिकीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है इसके अलावा पांचवी विशेषता है राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण व विशेषीकरण तो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण होना चाहिए ताकि जो सरकारें हैं अपने उन कार्यों को उत्तरदायित्वपूर्ण तो ढंग से निपटा सकें जिनको करने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है जैसे हमने देखा कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका ये जो संस्थाएं हैं इनमें विभिन्नीकरण और विशेषीकरण होना चाहिए राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्थाएं जो हैं विधायिका का, का कार्य कानूनों का निर्माण करना जहाँ पे है वहाँ पे कार्यपालिका का, का कार्य उन कानूनों को लागू करना तथा न्यायपालिका का, का कार्य जो उन कानूनों का पालन नहीं करते हैं उनको दंड देने की दंड देने का होना चाहिए तो तीनों जो अंग हैं शासन के इनमें विभिन्नीकरण होना चाहिए और विशेषीकरण इस अर्थ में कि तीनों अंग अलग अलग जो उनको कार्य दिया गया है उसकी जिम्मेदारी वो निभाएँ इसके अलावा छठवीं प्रमुख विशेषता है राजनीति में जनसाधारण की सहभागिता तो राजनीति में जनसाधारण की सहभागिता जब तक नहीं होगी तो वो समाज आधुनिक नहीं कहा जाएगा तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए संस्थात्मक और प्रक्रियात्मक परिवर्तन केवल पर्याप्त नहीं है संस्थाओं या प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए और आधुनिकीकरण के लिए जो पब्लिक मोबिलाइजेशन या जन संचालन है यह एक आवश्यक शर्त है इसके बिना राजनीतिक उदासीनता होगी और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को यह बाधित करेगा तो दोस्तों जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है इसमें जो राजनीतिक संस्थाएं हैं इसमें जनता की सर्वाधिक भागीदारी और सक्रियता होनी चाहिए अन्यथा राजनीतिक उदासीनता की अवस्था में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बाधित होती है सातवां जो प्रमुख विशेषता है राजनीतिक आधुनिकीकरण का वो ये है कि व्यक्तियों का संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से अभिज्ञान होना चाहिए राजनीतिक आधुनिकीकरण वाली व्यवस्था में व्यक्तियों के अभिवृत्तियों में परिवर्तन आता है राजनीतिक आधुनिकीकरण वाली जो व्यवस्था होती है उसमें व्यक्तियों के एटीट्यूड में परिवर्तन आता है इस प्रकार की व्यवस्था में व्यक्ति की निष्ठा छोटे छोटे संकीर्ण स्थानीय स्तर की संस्थाओं में न रहकर राष्ट्रीय रूप धारण कर लेती है और यह आधुनिकीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है एक जो महत्वपूर्ण लक्षण ये था कि राजनीतिक संस्थाओं में व्यक्ति की भागीदारी और जन सक्रियता होनी चाहिए वो आधुनिकीकरण के लिए अनिवार्य है तो दूसरा एक महत्वपूर्ण तत्व तो ये भी है कि व्यक्तियों का संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से अभिज्ञान होना चाहिए और व्यक्ति की निष्ठा छोटे छोटे संकीर्ण स्थानीय स्तर की संस्थाओं में न रहकर राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है तो ये तब वह समाज आधुनिक कहे जाने योग्य होता है आठवां लक्षण देखते हैं व्यापक आधार वाली नौकरशाही राज्य के कार्यों की बढ़ती भूमिका के फलस्वरूप नौकरशाही का महत्व बढ़ जाता है लेकिन आधुनिकीकरण के लिए केवल यही अनिवार्य नहीं है कि नौकरशाही का आकार बड़ा हो बल्कि नौकरशाही का आकार नहीं बल्कि उसका आधार भी व्यापक होना चाहिए जिस जैसे कि प्रशासक समाज के केवल उच्च वर्ग से ही न आए बल्कि ये समाज के प्रत्येक वर्ग से आने चाहिए और न केवल एक वर्ग के हितों का ध्यान में रखा जाए बल्कि समाज का आधार व्यापक होने का अर्थ ये है कि ये समाज के सभी वर्गों तक इसका प्रभाव फलित होना चाहिए राजनीतिक आधुनिकीकरण के तीन मुख्य लक्षण जो सामान्य रूप से बताए गए हैं वो हैं बुद्धि संगत सत्ता दूसरी विभिन्नीकृत राजनीतिक सत्ता और तीसरी राजनीतिक सहभागिता तो ये जो हमने ऊपर सातों विशेषताओं की चर्चा की है वो इन्हीं तीनों में बुद्धिसंगत सत्ता विभिन्नीकृत राजनीतिक सत्ता तथा राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं अब आइए देखते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान यानी कि पैटर्न किस प्रक्रिया द्वारा राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया संचालित होती है तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान से आशा है कि क्या आधुनिकीकरण का कोई निश्चित क्रम या प्रतिमान होता है किस प्रक्रिया द्वारा राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो इस संबंध में दो बातें महत्वपूर्ण हैं पहली बात ये कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई सर्वव्यापी प्रतिमान नहीं है देयर इज नो यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ पोलिटिकल मॉडर्नाइजेशन तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई सर्वव्यापी प्रतिमान नहीं है अर्थात किसी भी जो समाज है वहाँ पर राजनीतिक आधुनिकीकरण का हर समाजों में कोई ऐसा सर्वव्यापी प्रतिमान नहीं है जिससे होकर सभी संस्थाएं या व्यवस्थाएं आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होती हैं दूसरा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई अनुक्रम प्रतिमान नहीं है और देयर इज नो सिक्वेंशियल पैटर्न ऑफ पोलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इसका कोई एक सिक्वेंस नहीं है कि इसी सिक्वेंस में ही राजनीतिक आधुनिकीकरण होगा एक विचारक है एडवर्ड सील्स एडवर्ड सील्स ने पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन नामक अपने लेख में राजनीतिक आधुनिकीकरण के पांच प्रतिमानों का वर्णन किया है तो आइए देखते हैं कौन कौन से पांच प्रतिमान हैं पहला है राजनीतिक लोकतंत्र दूसरा अभिभावक लोकतंत्र तीसरा आधुनिकीकरणशील गुटतंत्र चौथा सर्वाधिकारी गुटतंत्र और पांचवा परंपरागत गुटतंत्र तो राजनीतिक लोकतंत्र आइए देखते हैं राजनीतिक लोकतंत्र सील्स के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण का यह प्रतिमान व्यवस्थाओं की आधुनिकता के स्तर पर पहुंचने का संकेतक है इसको सील्स ने प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं तथा नागरिक शासन के राज्य के रूप में वर्णित किया है तो राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण का आधुनिकता के स्तर पर पहुँचने का संकेतक है इसके कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं जो राजनीतिक अ... आधुनिकीकरण है इसके लक्षण हो सकते हैं जनता के द्वारा शासन होना चाहिए सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नियत समय पर निर्वाचित सरकार चुनी जानी चाहिए तीसरा राजनीतिक दलों का अस्तित्व जिसमें चुनाव में बहुमत प्राप्त दल की सरकार बने चौथा राजनीतिक सत्ताधारी अल्पकाल हेतु चुने जाएं सत्ता निरंकुश व स्वे स्वेच्छापूर्ण न होने पाए स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व हो इसके अलावा उपयुक्त संस्थाओं में सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्व दशाओं का समर्थन और सहारा मिले सत्ताधारी आत्मसंयमी हों तथा केवल निजी हितों के लिए न लगे रहें और एक समुचित योग्य व प्रतिभाशाली सिविल सेवा या नौकरशाही विद्यमान हो तो ये राजनीतिक लोकतंत्र का लक्षण है जहाँ पे इस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं वो समाज आधुनिकीकरण के पैटर्न पे सर्वाधिक खरा उतरता है दूसरा है अभिभावक लोकतंत्र अभिभावक और राजनीतिक लोकतंत्र में प्रमुख अंतर यह है कि अभिभावक लोकतंत्र में राजनीतिक लोकतंत्र की संरचनात्मक व्यवस्था व्यवस्थाएं जो होती हैं वो व्यवहारिक रूप में सक्रिय नहीं होती होती तो हैं वो संस्थाएं और व्यवस्थाएं होती हैं लेकिन व्यवहारिक रूप में सक्रिय नहीं होती हैं लोकतंत्र की प्रक्रिया में आस्था रखते हुए कुछ लोग लोकतंत्र के रक्षक या अभिभावक बन जाते हैं और व्यवस्थापिका और दलों की शक्ति को सीमित करके कार्यपालिका की शक्तियों का केंद्रण कर लेते हैं जिसके कारण देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके लेकिन इसमें संभावना क्या होती है कि संपूर्ण शक्तियाँ अभिभावक नेताओं के हाथ में विद्यमान होती है और ये आधुनिकीकरण को तेजी से लाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं यह राजनीतिक आधुनिकीकरण की तरफ समाज को धकेलने के समान होता है तीसरा है आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र कई बार होता यह है कि लोकतांत्रिक संरचनाएं आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा बनने लगती हैं तो ऐसी स्थिति में एक आधुनिकीकरणशील गुटतंत्र सत्ता में आता है तथा लोकतांत्रिक शासन तंत्र से परे हटकर एक अधिकारवादी राज्य की ओर उन्मुख होता है यदि कुछ ऐसे नेता मिल जाएं जिनको समाज को आधुनिक बनाने में आस्था है तो आधुनिकीकरण जो होता है वो अत्यंत तीव्र गत से होगा सर्वाधिकारी वर्गतंत्र सर्वाधिकारी वर्गतंत्र राजनीतिक आधुनिकीकरण के मुकाबले आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र को प्राथमिकता देता है ऐसे गुटतंत्र में एक विचारधारा के आधार पर संगठित एकाधिकारवादी दल के नेतृत्व में आधुनिकीकरण के सभी पक्षों को एक साथ आगे बढ़ाने या धकेलने का प्रयास किया जाता है व्यक्तियों या संस्थाओं को इस विचारधारा के अनुरूप रहना पड़ता है परंतु उनकी स्वतंत्रता नहीं रहती है इसलिए इसको अधिक आधुनिक नहीं कहा जा सकता है इसके अलावा परम्परागत वर्गतंत्र एक पैटर्न है परम्परागत वर्गतंत्र का प्रतिमान आधुनिकीकरण का खुला विरोध है क्योंकि परंपरागतता तथा आधुनिकता कभी साथ साथ नहीं चल सकते हैं परंपरागत जो तंत्र है यह आधुनिकीकरण के पूर्णतया विपरीत है इस श्रेणी में परंपरागत धार्मिक विश्वास से संबद्ध शक्तिशाली राजवंशी संविधानों पर आधारित व्यवस्थाएं आती हैं इसमें शासक रक्त संबंध और वंश के आधार पर बनता है न कि योग्यता के आधार पर नियम कानून परंपरागत होते हैं जो एक वर्ग द्वारा बना दिए जाते हैं तथा नागरिकों को इस व्यवस्था में सेवाएं बहुत ही कम प्रदान की जाती हैं तो दोस्तों एडवर्स सील्स के अनुसार हमने पांच प्रतिमानों को देखा एडवर्स सील्स की मान्यता है कि सभी व्यवस्थाएं कम या अधिक मात्रा में राजनीतिक आधुनिकीकरण की हुई और उन्मुख होती हैं और राजनीतिक लोकतंत्र का प्रतिमान ही राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधुनिकता तक पहुँचने का संकेतक है राजनीतिक आधुनिकीकरण का श्रेष्ठतम रूप राजनीतिक लोकतंत्र है इसमें सभी की सहभागिता हो मतदान और निर्वाचन व्यवस्था द्वारा शासकों का चयन हो एक संपूर्ण नौकरशाही हो चुनाव एक निश्चित समय कम समय अंतराल के होने चाहिए ताकि सत्ता का अनुक्रमण या चक्रण चलता रहे तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो प्रतिमान हैं उस पर विचारक एडवर्ड सील्स ने पांच प्रकार के प्रतिमानों का वर्णन किया है जिसमें राजनीतिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो सर्वोत्तम रूप होता है वो राजनीतिक लोकतंत्र होता है अब आइए देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं टूल्स टू राजनीतिक आधुनिकीकरण लाने के लिए जो माध्यम या यंत्र कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं और इसके कौन से अभिकरण है तो राजनीतिक आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक जटिल तथा बहुआयामी प्रक्रिया है इसमें एक अभिकरण नहीं बल्कि कई अभिकरणों तथा माध्यमों की भूमिका होती है राजनीतिक आधुनिकीकरण को किसी एक कारक से नहीं जोड़ा जा सकता है आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण तत्व है किंतु उसे आधुनिकीकरण का निर्माणक तत्व मान लेना ठीक नहीं है राजनीतिक अभिकरण आधुनिकीकरण के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं तो आइए देखते हैं पहला है अभिजनों और बुद्धिजीवियों की भूमिका प्रत्येक शासन वर्ग में शासन का कार्य केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा ही निष्पादित होता है यही वर्ग अभिजन और बुद्धिजीवियों का होता है जो सत्ता के धारक होते हैं प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था चाहे वह लोकतंत्र हो या सर्वाधिकार तंत्र हो निरंकुश तंत्र हो उसमें शासन व्यवस्था केवल कुछ लोगों के हाथ में होती है जिन्हें अभिजन या बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए ये जो वर्ग होता है अभिजन वर्ग वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और नौकरशाही जो होती है इन्हीं अभिजन वर्ग का एक भाग होता है अभिजनों का प्रमुख कार्य राजनीतिक व्यवस्था को एकताबद्ध करना है ये जनता को राष्ट्रीय अभिज्ञान का भी पाठ पढ़ाते हैं और नेतृत्व और पहल करने का कार्य करते हैं तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को संचालित करने या आगे बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण कारक और अभिकरण हैं यह अभिजनों की भूमिका होती है दूसरा महत्वपूर्ण कारण या अभिकरण है विचारधारा की भूमिका आधुनिकीकरण की प्रक्रिया लाने के लिए विचारधारा का प्रयोग किया जाता है राजनीतिक समाज में परिवर्तन और विकास बढ़ाने में विचारधारा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है विचारधारा जो है वो राजनीतिक दल आ, राजनीतिक दल किसी न किसी विचारधारा पर आधारित होते हैं और ये जो राजनीतिक दल होते हैं ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में आधुनिकीकरण के प्रमुख साधन होते हैं विचारधारा को राजनीतिक आधुनिकीकरण का शक्तिशाली उपकरण माना जाता है क्योंकि इसके आधार पर लोगों के मनोभाव और अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना आसान होता है इसके अलावा जो तीसरा प्रमुख अभिकरण है वो है सरकार की भूमिका आधुनिकीकरण की जो संपूर्ण गतिविधि होती है वो सरकार के तत्वाधान में ही संचालित होती है सरकारों का राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण के रूप में विशेष महत्व है सरकारें जो होती हैं वो आधुनिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में बहुमुखी प्रगति का प्रेरक बनकर राजनीतिक व्यवस्था के अभि आधुनिकीकरण की आधारभूमि भी तैयार करती हैं इस प्रकार कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अनेक संस्थाओं और कारकों का योगदान होता है उन सब की सूची बनाना कठिन है लेकिन उन सब कारकों का योगदान भी महत्वपूर्ण anyway. का है राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक बहुआयामी तथा जटिल प्रक्रिया है इसलिए राजनीतिक आधुनिकीकरण में अनेक तत्वों का योगदान भी रहता है तो दोस्तों ये था चैप्टर राजनीतिक आधुनिकीकरण का इस चैप्टर में हमने पढ़ा राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है इसका अर्थ क्या है परिभाषा तो और इसके विभिन्न पैटर्न क्या हैं तथा राजनीतिक अभिकरण के रा, राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख अभिकरण और माध्यम क्या हैं जिसके आधार पर राजनीतिक आधुनिकीकरण संभव हो पाता है दोस्तों इसका पी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसका पी प्राप्त कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार